ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन आया है। वैसे तो अशोभनीय घटना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आया कि अगर सपोज हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है डाइवोर्स का, ओके, और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कोर्ट, पेंडेंसी ऑफ केस, एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है ऐसे केस में? तो देखो, ऐसे केस में क्या होता है, केस जब तक कोई डिक्री के ऊपर ना पहुंचा हो या कोई जजमेंट ना आई हो, ओके, अगर ऐसा हो जाता है, उससे पहले डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, केस विड्रॉ हो जाता है एक तरह से, ठीक है, वो यानी कि खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पार्टी ही नहीं बची, ओके, जब पार्टी ही नहीं बची तो केस का क्या फायदा, ओके, फिर बेशक वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ओके, ये कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, ये सिविल केस है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होता है जनरली, ठीक है। तो जब हस्बैंड वाइफ यानी कि कोई भी स्पाउस में से कोई भी नहीं बचा, तो वो विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो पार्टी है वो नई मैरिज परफॉर्म कर सकती है, तो जी कर सकती है बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्पाउस की डेथ होगी ना, तो आप न्यू मैरिज परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो और पहली, और हाँ, दूसरी बात, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है ये केस, कोई इतना इशू नहीं है, ओके, तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपकी फर्दर क्वेरी है इसी के रिगार्डिंग, आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके, अगर आपकी क्वेरी थोड़ी पर्सनल है तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी लिख सकते हो। तो इंस्टाग्राम का जो नेम है वो गरीब अकबर के नाम से ही है, ठीक है, फेसबुक के नाम से भी, और हर चीज़ मतलब गरीब अकबर के नाम से ही है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए और उससे बेहतर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे नंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे आपको क्या करना है, तो आप कॉल करो, मतलब पे करो, कॉल करो, ठीक है। तो नॉमिनियल फीस है, ज़्यादा इतनी बड़ी हाई फाई फीस भी नहीं है, तो आप वो सर्विस ले सकते हो, ठीक है, वो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह गरीब हो, और तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी लिखो, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो चिल मैन, चिल।